केंद्र सरकार ने इस फसल वर्ष में अब तक मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत 24,000 टन मूंग की खरीदी की है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों से 4,00,000 टन खरीफ मूंग की खरीदी को मंजूरी दी है। दरअसल PSS कृषि मंत्रालय के तहत कार्यरत है। PSS तभी परिचालन में आता है जब कृषि उपज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सहकारी संस्थान नाफेड खरीद का कार्य कर रहा है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 24,000 टन मूंग की खरीदी की गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा 18,000 से 19,000 टन अकेले कर्नाटक में खरीदा गया है। मंत्रालय ने 2022-23 खरीफ सत्र में उगाई जाने वाली 2,94,000 टन उड़द और 14,00,000 टन मूंगफली खरीद को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि खरीदी नहीं हो सकी क्योंकि प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडियों में कीमतें MSP से ऊपर चल रही हैं। इसी बीच सरकार के पास PSS के तहत पिछले 2-3 वर्षों में खरीदे गए 25,00,000 टन चने का भंडार है। सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत खपत के लिए कुछ स्टॉक राज्य सरकारों को देना शुरू कर दिया है। वहीं बीते दिनों खबरें सामने आई थी कि केंद्रीय पुल के लिए सरकार की धान खरीदी मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 9% बढ़कर 306,06,000 टन हो गई है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से अधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। आमतौर पर धान की खरीद अक्टूबर से दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वापसी के बाद शुरू होती है। हालांकि दक्षिण राज्यों में विशेषकर केरल और तमिलनाडु में यह काम सितंबर से शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।